तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो हमने अब तक पढ़ लिया चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न। इससे पहले मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और जो समांतर चतुर्भुज के गुण थे वो सिद्ध करके बता दिए थे। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। देखिए प्रश्न एक, कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार हमारे पास अनुपात दिया हुआ हो तो हम उनको क्या कर लेते हैं, किसी चर राशि से गुणा कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये हमारा कोई चतुर्भुज है, इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। पहला कोण क्या हो गया हमारा 3x, दूसरा कोण क्या हो गया हमारा 5x, तीसरा कोण क्या हो गया 9x, चौथा कोण क्या हो गया हमारा 13x। ठीक, और हम जानते हैं चतुर्भुज के कोण योग गुण से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इन चारों का योग कितना होगा 360 डिग्री। देखिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री। इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30x बराबर 360 डिग्री। x का मान निकालेंगे, 30 पक्षांतरण होके इधर आएगा तो भाग में जाएगा 0 से 0, तो ये कितना आ गया हमारा 12। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12। अब यदि ये कोण निकालना है तो 3 को किससे गुणा कर दूंगी मैं 12 से, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितना आ गया 36 डिग्री। यहाँ पर क्या करूँगी, इस x की जगह 12 रख दूंगी, तो ये 5 × 12 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे इस x की जगह 12 रख दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 12 × 108 डिग्री। और इस x की जगह फिर से मैं क्या रख दूंगी 12, तो 13 और 12 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 156 डिग्री। अब तुम इन चारों का योग करके देख लेना 360 ही आएगा। तो क्लियर था, बहुत सिंपल सवाल था। देखिए इसका तरीका, कि प्रथम कोण क्या हो गया 3x, ये अनुपात में दिए हुए थे तो हमने इसको पूरा करने के लिए क्या कर दिया, चर राशि से गुणा कर दिया। तो पहला कोण कितना आ गया 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x और चौथा 13x। हम जानते हैं चतुर्भुज के कोण योग गुण से चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो इनका योग कितना आ गया हमारे पास 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास x बराबर 12 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू 12 आ गई तो पहला कोण हमारा क्या हुआ 3 × 12 36 डिग्री, 5 × 12 60 डिग्री, 9 × 12 108 डिग्री, 13 × 12 156 डिग्री। तो ये हमारे चतुर्भुज के चारों कोण हमें ज्ञात हो गए। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मैं समांतर चतुर्भुज बना लेती हूँ, ए बी सी डी। फिर इसने कहा है विकर्ण इसके बराबर हैं। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी कैसा है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी समांतर, ये भुजा सी डी के और ए बी बराबर सी डी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। उसी प्रकार बी सी समांतर डी ए, तो बी सी बराबर डी ए। चलो अब क्या और क्या दिया हुआ है, विकर्ण बराबर हैं, तो ए सी बराबर बी डी। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत
है, ए बी सी डी एक आयत है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले त्रिभुज, दो त्रिभुज लिए ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में। वो कैसे लिए, देखिए ये ए ये बी ये सी, ये थोड़ा छोटा है कोई बात नहीं, ए सॉरी ये ए था, ये बी था अपना और ये डी था। तो देखिए ए बी भुजा ए बी दोनों में है तो उभयनिष्ठ हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, कैसे, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से, ठीक। और ये विकर्ण है तो ये विकर्ण भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो भुजा भुजा भुजा, जब दो त्रिभुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, ए बी सी सर्वांगसम हो गए बी ए डी के। ए बी सी और बी ए डी आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब वो अन्य संगत भाग कौन कौन से होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हुआ, कौन कौन सा कोण, कोण ए बी सी, कोण बी ए डी में। अच्छा अब हम कर क्या रहे हैं, हमें ए बी सी डी को क्या सिद्ध करना है, आयत। और इसको आयत हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो यदि इस चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दूंगी मैं तो ये हमारा चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो मैं वो ही सिद्ध कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिए दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया भुजा 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 के नियम से। उसके बाद क्या किया मैंने, दो कोण किससे, बाय सी पी सी टी, ठीक, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, तो ये हो गए बराबर। चलो ठीक है, ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। अब हमें एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए ये और ये भुजा आपस में समांतर है, ये बी सी और ये डी ए, और ये इनकी तिर्यक रेखा हो गई, ये इसको काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोण हुए, और इन दोनों का योग कैसा होगा, तो इन दोनों का योग कैसा होगा, ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग 180। अब देखिए बी ए डी किसके बराबर है, ए बी सी के, ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी प्लस कोण ए बी सी, ये हो गया 180 डिग्री। ये दो कोण एक ए बी सी हो गया, दो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, दो इधर चला जाएगा भाग में तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और ए बी सी किसके बराबर था, बी ए डी के, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री आ गया ना हमारे पास, तो परिभाषा यही थी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण हो तो वो आयत कहलाता है, तो एक कोण समकोण आ गया। अब हम चाहें तो हम इसके सारे कोण समकोण भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, ये 90 आया तो ये कोण भी 90 का ही था, ये 90 आया हमारा, ये वाला आया था ए बी सी, कोई बात नहीं, ठीक है। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में ये सम्मुख कोण होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, तो जब ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है, तो आयत में एक गुण ये था ना। चलो ठीक है, इसका हल देखते हैं। ए बी सी डी हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी समांतर सी डी, ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से, ए बी समांतर सी डी, बी सी समांतर ए डी और बी सी समांतर ए डी, और ये भुजाएं आपस में कैसी हुई, बराबर भी हुई। विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ये दिया हुआ है ही हमारे पास। उपपत्ति में हमने क्या लिया, दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से, ए बी सी और बी ए डी।
तो इनमें ये भुजा उभयनिष्ठ थी, दोनों में ये भुजा बराबर हुई किससे, इस परिभाषा से, समांतर चतुर्भुज के गुण से, ठीक है। और ये जो विकर्ण थे, देखिए ये उभयनिष्ठ हो गई हमारी, ये दिया हुआ हो गया हमारे पास, और ये कैसे हो गए हमारे बराबर विकर्ण। तो भुजा 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 के नियम से दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके जो अन्य संगत भाग में क्या था, ये कोण और ये कोण, कौन कौन से कोण, ए बी सी और बी ए डी, ये भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक। दो कोण तो बराबर से दिए। अब हमें सिद्ध क्या करना था, एक कोण 90 डिग्री। तो देखिए जब ये और ये समांतर थे, ये तिर्यक रेखा हुई, तो ये अंतःकोण हुए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए, तो इन दोनों का योग क्या हुआ, 180 डिग्री। किससे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया 180 डिग्री। अब देखिए बी ए डी किसके बराबर है, ए बी सी के, तो मैंने बी ए डी की जगह भी क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिया। तो ये क्या हो गया, दो कोण ए बी सी, और ए बी सी का मान निकालने के लिए 180 में दो का भाग दे दिया। ये दो कहाँ से आया, ये दो पक्षांतरण होके इधर गया था, तो ए बी सी का मान कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। इस कोण का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही हमारी परिभाषा थी कि जब समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समांतर चतुर्भुज किस में बदल जाता है, आयत में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज था ए बी सी डी वो कैसा हुआ, आयत हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ना समांतर है, ना सम है, ना समलंब है, ना आयत है, ना वर्ग है, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण कैसे हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब काटने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब काटने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और आपस में कैसे होते हैं, काटने के बाद बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा चतुर्भुज क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, चित्र में यहाँ अलग से बना के बता देती हूँ आपको। ये मान लो ए बी सी डी है, ऐसा भी बन सकता है, ये देखिए ए बी सी डी, ठीक। उसके बाद ये जो है ये विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण कौन कौन से हैं यहाँ लिख दूँ मैं, ए सी व बी डी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी और बी सी। ए सी लंब है, ये क्या है, ए सी व बी डी हमारे विकर्ण हैं, और ये विकर्ण कैसे हैं, लंब है, लंब हुए तो क्या मतलब हुआ इसका, ये कोण 1, 2, 3 और ये 4। तो जो ये कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों बराबर किए, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री के कोण हुए, तो ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है समद्विभाजित, इसका मतलब ए ओ बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर, ठीक। ये हमको दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है हमको कि यह एक सम चतुर्भुज है। तो अब सम चतुर्भुज में ये गुण तो हम जानते हैं कि जो उसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर समद्विभाजित होते हैं, तो ये चीज़ तो हम जानते हैं क्योंकि ये समकोण का अपना खुद का गुण था एक, परंतु जो चीज़ दी हुई है उसी का यूज़ करेंगे। अब कैसे सिद्ध करना है इसको देखिए, सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मैं ये सिद्ध कर दूँ, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएँ आपस में बराबर सिद्ध कर दूँ, ठीक। तो अब ए बी सी डी को क्या सिद्ध करना है,
सम चतुर्भुज, और इसको सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, ये भुजाएं अगर बराबर सिद्ध कर दूं तो हमारा जो दिया हुआ चतुर्भुज है वो कैसा हो जाएगा? सम चतुर्भुज हो जाएगा। कैसे सिद्ध करते हैं देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, कौन कौन से देखिए, ए ओ डी व त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, ए ओ डी ए ओ बी। तो ध्यान से देखना, इसमें ये वाली भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ए ओ ए ओ ए ओ बराबर ए ओ, कैसी भुजा हुई, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब और क्या है, ये भुजा इसके बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये विकर्ण है और बराबर भागों में बट रहे हैं, तो ये हो गया ओ बी बराबर ओ डी, तो ये हो गया ओ डी बराबर ओ बी दिया है, ठीक। जब ये दिया हुआ है और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, तो कोण एक बराबर कोण तीन, ये कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो देखो, भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे सर्वांगसम हो गए, और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हुई कि नहीं हुई, कौन सी भुजा, ए डी बराबर ए बी, ये हमें समीकरण एक मान लो। अभी तो सिर्फ ये भुजा इसके बराबर आई है, अब इसी प्रकार हम ये भुजा इसके बराबर भी कैसे सिद्ध कर सकते हैं, वो कैसे, अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे हम, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक, ए ओ बी और सी ओ बी में। अब इसमें भी ओ बी भुजा उभयनिष्ठ है, ये लो सा उभयनिष्ठ। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा बराबर भागों में बट रही है, इसका मतलब ए ओ बराबर ओ सी, और कोण तीन और चार ये 90-90 डिग्री के हैं, कोण तीन और कोण चार 90-90 डिग्री के हैं, रीजन लिख दिया 90 डिग्री के। तो अब क्या होगा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों सर्वांगसम हो गए, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग, तो अन्य संगत भाग कौन से हुए, ए बी बराबर बी सी, क्लियर है। अब देखिए, ए डी बराबर ए बी है, ए बी बराबर बी सी है, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं तो बराबर हो गई। इसी प्रकार हम ये दोनों त्रिभुज लेके या ये दोनों त्रिभुज लेके इनको भी बराबर कर सकते हैं, तो ये चारों भुजाएं आपस में कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं, जो बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, देख लीजिए ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोला था समद्विभाजित कर रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, इट मीन्स चारों भुजाएं ए बी बराबर होगी बी सी के, बराबर होगी सी डी के, बराबर होगी ए डी के। कौन कौन से त्रिभुज लिए, ए ओ बी और सी ओ डी, आप कोई से भी दो त्रिभुज लेके दो दो भुजाएं आपस में बराबर करते चलो, फिर अंत में उन सभी को तुलना करो और फिर वो चारों भुजाएं आपस में कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो अब यहाँ कौन से दो त्रिभुज लिए, ये वाला और ये वाला, तो देखिए दोनों में ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ ये तो दिया हुआ था ही, कोण ए ओ बी ये और सी ओ डी ये कैसे हुए, कोण 90 डिग्री, क्यों, मैंने इनका नाम एक दो तीन रखा था और अब इसके खुद के नामों से ही लिखा है, ठीक।
अब ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। तो देखिए भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से, यहाँ तुम रीजन लिख सकते हो, ये दिया है और ये क्या था ए सी लंब था बी डी पर, इसलिए ये 90-90 डिग्री के कोण बन रहे थे और ये भी दिया है, ठीक। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो इसमें ए बी भुजा किसके बराबर हो गई, सी डी के। ए बी भुजा किसके बराबर हो गई, सी डी के, देख लीजिए। ऐसे ही अब ए ओ डी और सी ओ बी ले लिया, ए ओ डी और सी ओ बी ले लिया, इसमें भी ए ओ बराबर सी ओ, ये दिया है हमारे पास ए ओ डी और सी ओ बी, ये 90 डिग्री का हो गया। और ठीक है, और इसके अंदर ओ डी और इस त्रिभुज में कौन सी आ रही है, ओ बी, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगी, अब ये उभयनिष्ठ नहीं होगी, यहाँ क्या लिखोगे रीजन, यहाँ भी क्या लिखोगे रीजन, दिया है, ठीक है। ये ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो इस पे ना ध्यान देके सिर्फ सवाल की भावनाएं देखो कि क्या बोल रहा है, भुजा कोण भुजा, ठीक। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे सर्वांगसम, तो कौन कौन से थे, ये वाला और ये वाला। तो अब इसमें क्या बराबर हो गया, ए डी बराबर हो गया बी सी के। तो देखिए ए डी बराबर बी सी, और यहाँ क्या है, ए बी बराबर सी डी। अब ये ध्यान रखते चलना है को। अब दूसरे ए ओ डी और ए ओ बी लिया मैंने, अब ए ओ डी और ए ओ बी दोनों में एक भुजा तो उभयनिष्ठ है अपनी, ठीक। और ये कोण और ये कोण आपस में 90 डिग्री के हैं, तो ओ डी बराबर ओ बी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ। ये था ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ओ, ठीक है। तो ए ओ डी में ओ डी बराबर ओ बी हो गया, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा किसके बराबर हो गई हमारी, ए डी भुजा किसके बराबर हो गई, ए बी के। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर हो गई, और इससे पीछे जो हमने किया था ये भुजा इसके भी बराबर हो गई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी। और ये भुजा सी डी भुजा ये भी इसके बराबर हुई थी। तो हमारे क्या है, एक दो तीन, जो तीनों समीकरण हमने लिखे थे उससे हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सवाल दिया हुआ था किस तरीके का, कि एक चतुर्भुज था, विकर्ण बराबर थे, समकोण पर समद्विभाजित कर रहे थे, जिनको हमने सम चतुर्भुज में दर्शाना था, ये हमने दर्शा दिया। से पहली चीज़ ये है कि सारे सवाल एक ही तरीके को फॉलो करते जा रहे हैं, सिर्फ हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, कोणों के नाम रखते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूँ कि इन सवालों को आपको खुद से दोहरान करना है, एक बार नहीं दो से तीन बार करना है, इनका अभ्यास करना है। गणित में जितना अभ्यास करोगे सवाल उतना ही तुम्हारा पक्का होता जाएगा। और अब इससे अगले जो सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक धन्यवाद।